सोसाइटी, तो इसमें हमने पिछले वीडियो में जो सबसे शुरू वाला इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने यह चर्चा किया था कि अंग्रेज बैटल ऑफ बक्सर के बाद राजनीति में, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट मिल गया था। दीवानी राइट क्या होता था? वहाँ पे टैक्स वसूलने का अधिकार मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय से मिल गया था, क्योंकि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, तो उसमें एज ए गिफ्ट में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को, ब्रिटिश जो इंडिया में थे उसको, बंगाल में जो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिला हुआ एक ही प्रांत था, एक ही स्टेट था, उस समय टैक्स वसूलने का राइट उसको मिल गया था। तो उसी कड़ी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैंने पिछले दिन जो वैशिष्टी का जो क्लास था उसमें एक ने यूट्यूब का वीडियो डाला था, पता नहीं मात्र दो बच्चों ने हमको उसमें लिख के दिखाया और बाकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमको लगा कि पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया। हालांकि वो वीडियो बहुत अच्छा था और उसमें सारा चीज अच्छे से बताया गया था, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम एक बार फिर से उसे आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं, आप समझने का कोशिश करना, ठीक है? तो ब्रिटिश पॉलिसी अंटिल 1793 1793 तक में क्या क्या पॉलिसी रही अंग्रेजों की, उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। अंग्रेजों को जब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उन्होंने ट्रेडिशनली जिस तरह से कि उसने यहाँ देखा था कि नवाब किस तरह से टैक्स वसूलते हैं, उसी तरह से उसने टैक्स वसूलना शुरू किया। टैक्स ट्रेडिशनली जो शुरू किया गया उसमें बहुत सारे लूप होल थे। उसमें क्या होता था कि अंग्रेज अधिकारियों के पास बहुत कम टैक्स पहुंचता था, और उसके जो ऑफिशियल थे यानी उसके कर्मचारी जो थे अंग्रेजों के टैक्स वसूलने वाले, वो अपना जेब भरने में लगे हुए थे। कंपनी को बहुत थोड़ा सा अमाउंट जाता था और बहुत ज़्यादा पैसा एम्प्लाइज अपने आप में बांट लेते थे। इससे क्या हुआ कि अनऑफिशियली किसानों से पैसा वो लेते थे, जिसका कि कोई रसीद रिसिप्ट वगैरह नहीं दिया जाता था, और ये पर्सनली जो एम्प्लॉय थे वो अपना जेब भरने में लगे हुए थे। इससे कंपनी को घाटा लग रहा था, यानी कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से आमदनी को बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और वो चाहते थे कि टैक्स का जो है अमाउंट वो ठीक ढंग से आए। हालांकि उसे पता था कि ये एम्प्लॉय लोग इसमें घोटाला कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं। तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने एक नया सिस्टम टैक्स वसूलने का निकाला जिसे कि इजारादारी सिस्टम कहते हैं। आपके बुक में है ना पहला इजारादारी सिस्टम, तो क्या था ये इजारादारी सिस्टम, ठीक है, इसमें जानते हैं। अकॉर्डिंग टू विच द राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन वाज गिवन टू हाईएस्ट बिडर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसमें इस इजारादारी सिस्टम में ये नियम लागू किया गया कि वो क्या करता था, अंग्रेज अधिकारी जो ऑफिसर होते थे वो बड़े बड़े जमीनों का बोली लगाते थे, इतना बड़ा जमीन का सबसे ज्यादा टैक्स कौन कितना दे सकता है, वो ऑप्शन होता था एक तरह से, और उस ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे बीडर कहा जाता था। जो सबसे ज्यादा उसका रेवेन्यू देने के लिए तैयार होता था उन्हें वो जमीन मिल जाती थी, कितने सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए। और इससे क्या होता था कि टैक्स अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको टैक्स ज्यादा आने लगा, उसने बीडर से एक मुश्त वो पैसा ले लिया, उसका पूरा झमेला खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय बाद
क्या हुआ कि बंगाल में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, टैक्स जो आता था थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया था, हर तरह से जब नाकाम हो गया था तब उसने वारन हेस्टिंग्स ने इजारादारी सिस्टम लागू किया था, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए उससे उसको मतलब नहीं है, उसको उतना पैसा आ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम भी फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? क्योंकि इस सिस्टम में कुछ कमियां थी। पहला कि जो वीडर होता था, जो हाईएस्ट बोली लगाते थे, वो जमीन के सुधार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि किस तरह से हम इरिगेशन का फैसिलिटी डेवलप कर दे जिससे कि किसानों को ज़्यादा उपज हो, वो इस तरह से कुछ नहीं करते थे। उसे उसे लगता था कि पता नहीं हम ये सारा सिस्टम ठीक कर दें, सिंचाई का व्यवस्था कर दें, अगला साल हमें मिले, नेक्स्ट जो टाइम है हमको ये जमीन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं था। और इसके और भी कारण थे कि अक्सर कुछ अकाल वगैरह पड़ जाता था, कुछ ऐसा दिक्कत हो जाता था, सुखाड़ हो जाता था, जिसके वजह से ये जमींदार जो होते थे, जो वीडर्स होते थे, उनको घाटा लग जाता था, वो उतना टैक्स वसूल नहीं पाते थे। तो इस तरह से ये पॉलिसी भी फेल हो गया। नेक्स्ट जो है तो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे, वहीं बिहार बंगाल एंड उड़ीसा में 1793। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से जो लैंड ऑनर्स थे और जमींदार ऑब्टेन हेरिडिटरी राइट ओवर देयर लैंड, जमींदारों को जमीन दे दिया गया, ठीक है, जमींदारों को जमीन दे दिया गया, उसका हेरिडिटरी राइट हो गया उस जमीन पर, परमानेंट उसको जमीन दे दिया। और जमींदार को किस शर्त पे जमीन दिया था? द जमींदार हैड टू पे ए फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर, और उसका लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जमींदार को कि तुमको इतना रुपया देना है, अपने जितना जमीन उसको मिलता था उस पे वो 50% जितना प्रोडक्शन, जैसे कि उतना जमीन में कितना प्रोडक्शन होगा उसका वो कैलकुलेशन करके आधा वो टैक्स के रूप में अंग्रेज ले लेता था जमींदार से, और बाकी जो बचता था उसमें वो जमींदार का प्रॉफिट होता था। जैसे कि मान लीजिए कि 100 बीघा खेत उसने किसी जमींदार को 100-200 बीघा जमीन दे दिया कि तुमको 1,00,000 रुपए सालाना देना है इतना जमीन का टैक्स के रूप में, तो 1,00,000 रुपया दे के जो एक्स्ट्रा वो किसानों से वसूलता था जमींदार, ये उनकी आमदनी होती थी। और इस तरह से कहा जाता है कि 100% में 89% जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी, ब्रिटिश ले लेती थी, और 11% जमींदार को मिलता था, ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट में यही था। जमींदार हैड टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर टू द कंपनी, फिक्स इसको देना था, चाहे कुछ भी हो जाए, फसल हो नहीं हो, अकाल हो जाए, महामारी हो जाए, बारिश नहीं हो, बाढ़ आ जाए, कुछ भी क्लाइमेटीज हो जाए, उससे उसको अंग्रेजों को मतलब नहीं था, वो जमींदार से पहले ही उसका रेवेन्यू ले लेते थे उतने जमीन का। The land revenue was fixed at roughly 50% of the total produce. Total जो produce होता होने वाला होता था उस जमीन में, उसका 50% अंग्रेज टैक्स के रूप में ले लेते थे जमींदारों से। Permanent settlement अंग्रेजों के लिए बहुत ही advantageous प्रूव हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि इससे कंपनी को क्या क्या फायदा हुआ, इसको कि फिक्स्ड रेगुलर इनकम आने लगे। पहले होता था क्या कि इनकम जो है वो फिक्स नहीं रह पाता था, कभी कम आता था, कभी ज्यादा आता था, कभी नहीं आता था, अनसर्टिनिटी बनी रहती थी, और इस झमेला से उसको अंग्रेजों को मुक्ति मिल गया, फसल हो या नहीं हो उसको उतना पैसा आ जाएगा। इससे क्या हुआ, रेगुलर इनकम उसको आने लगा,
उस रेगुलर इनकम को वो तरह अलग अलग जगह पे खर्च करने लगे। अब जो जमींदार जो एक वर्ग बना परमानेंट सेटलमेंट में, जमीन अंग्रेजों ने जो जमींदार को जमीन दे दिया, तुम किसानों को दो और अपना टैक्स वसूलो, तो एक नया वर्ग समाज में पैदा हो गया जो अंग्रेजों के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। अंग्रेजों भारतीय में से कुछ लोगों को अंग्रेज ने अपनी तरफ मिला लिया, अपना लॉयल बना लिया, तो ये बहुत फायदा वाला चीज हो गया उसके लिए। द ब्रिटिश कुड यूज द न्यू लैंडलॉर्ड्स, जो नए लैंडलॉर्ड्स थे, कंसोलिडेटिंग देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी। कहीं भी कोई विवाद होता था तो वहां पे ये न्यू जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अंग्रेज के पक्ष में हो जाते थे, और कंपनी का इनकम भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से उसने और भी बहुत सारे सिस्टम बनाए थे। परमानेंट सेटलमेंट के बाद उसने रैयत वाली सिस्टम बनाया, फिर महल वाली सिस्टम बनाया। सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, दोनों सिस्टम के बारे में। अभी जो स्टूडेंट आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि ये जो दोनों इजारादारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम है, इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आप अपने बुक से देख कर हमें बताएंगे, लिख कर दिखाएंगे कि इफेक्ट ऑन द पीजेंट क्या हुआ इन दोनों सिस्टम का। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रैयत वाली सेटलमेंट पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक।